नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपकी छुट्टियां बहुत ही अच्छे से व्यतीत हुई होंगी और आपने थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया होगा। तो हम आज की कक्षा आज के सुविचार के साथ शुरू करेंगे। हमारा आज का सुविचार है, अगर आप में एकता हो तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है बच्चों, अगर आप में एकता हो, अगर आप में यूनिटी हो, आप मिलकर काम करते हो, तो हर नामुमकिन, किसी भी इम्पॉसिबल वर्क को, नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल, जब आपको लगता हो ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता, ये कर ही नहीं सकते, नामुमकिन काम, उसको आप मुमकिन कर सकते हो, उसको पॉसिबल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है अरे ये काम तो इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है मैम, कैसे कर सकते हैं, तो आप उस काम को पॉसिबल कर सकते हो। कैसे? अगर आप मिलजुल के वो काम करो, एकता में शक्ति होती है। अगर आप मिल के कोई काम करो तो आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हो। हमारा आज का सुविचार क्या है? अगर आप में एकता हो तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है, हर इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल कर सकते हो। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है अगर वो मिलके किया जाए, एकता के साथ किया जाए। हमारा जो आज का सुविचार है बच्चों, वो हमारे आज के पाठ से संबंधित है। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर एकता हो, मिलके कोई काम किया जाए, तो किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं है। तो ये जो सुविचार है, आप देखेंगे ये सुविचार हमारे आज के पाठ से संबंधित है। तो हम आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का पाठ है चूहे की चतुराई, पाठ 3, चूहे की चतुराई। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक चूहे ने अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से मिलजुल कर, एकता के साथ चतुराई से अपनी जान बचाई। बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों, इससे हमें बहुत शिक्षा मिलेगी। आप इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे, मेरे साथ इसे दोहराएंगे भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हमारा आज का पाठ है पाठ 3, चूहे की चतुराई। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, आप मेरे साथ वो लाइन रिपीट करेंगे, ठीक है? जिससे आपको भी ध्यान रहे मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, उसका उच्चारण किस प्रकार से कर रही हूँ। आप अपनी एक उंगली उस शब्द पे रखेंगे और मेरे पढ़ने के बाद आप उस लाइन को पुनः अपने प्रयास के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम शुरू करते हैं। 4 चूहे थे, चारों एक बिल में रहते थे। कितने चूहे थे बच्चों? 4 चूहे थे, चारों फ्रेंड्स थे, चारों एक बिल में रहते थे। बिल क्या होता है? जमीन में एक लंबा छेद बना होता है, जैसे सांप होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, चूहे होते हैं वो बिल में रहते हैं। तो जमीन में वो एक बड़ा सा छेद बनाते हैं, होल बनाते हैं, उस होल में वो अपना घर बनाते हैं, उसे बिल कहते हैं। सबसे छोटा चूहा बहुत शैतान था। उन चारों चूहों में सबसे छोटा वाला जो चूहा था बहुत शैतान था। शैतान मतलब शरारती था, बहुत मस्ती करता था। वह हर समय इधर उधर घूमता रहता था। वो हर वक्त इधर उधर घूमता रहता था, मस्ती करता रहता था, एक जगह नहीं बैठता था, इधर उधर मस्ती करता रहता था। एक दिन एक मोटी बिल्ली ने उसे देख लिया। एक दिन क्या हुआ? एक मोटी सी बिल्ली ने उस छोटे से चूहे को देख लिया। वह चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। वो चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी और आगे आगे चूहा, पीछे पीछे बिल्ली। चूहा आगे आगे दौड़ रहा था और बिल्ली पीछे पीछे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दो शब्द दिए हैं, आगे आगे, पीछे
पीछे पीछे, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते आगे चूहा था पीछे बिल्ली, आगे आगे, इन्हें इन शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं जो साथ साथ आते हैं। जब हमारा पाठ हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी युग्म शब्द कैसे होते हैं, पर आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे आगे आगे, दो शब्द एक साथ आते हैं, आगे आगे, पीछे पीछे, जोड़ीदार शब्द होते हैं ये एक साथ बोले जाते हैं, युग्म मतलब जोड़ीदार। चूहा घबरा गया, चूहा डर गया, बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही थी, अब वो डर के मारे दौड़ रहा था इधर उधर। मेज के नीचे एक बोतल में घुस गया, मेज के नीचे रखी एक बोतल में घुस गया। बोतल आप लोगों ने देखी होगी, सभी ने, शरबत की बोतल होती है, फिर पानी की बोतल होती है, वैसी एक कांच की बोतल थी, उसमें चूहा मेज के नीचे एक बोतल रखी थी, घबरा कर वो बोतल में घुस गया चूहा, आप सभी ने देखा होगा, छोटा सा चूहा होता है एकदम उसका, तो वो बोतल के अंदर घुस गया। अब भला वह बिल्ली के हाथ कैसे आता, अब वो बिल्ली के हाथ कैसे आता, क्योंकि वो तो बोतल के अंदर घुस गया था। बिल्ली ने बहुत कोशिश करी, परंतु चूहे को बोतल में से ना निकाल सकी। बिल्ली ने बहुत कोशिश की परंतु चूहे को बोतल में से ना निकाल सकी। बिल्ली ने बहुत प्रयास किया, कोशिश यानी प्रयास करना, बार बार हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि चलो अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, ऐसे बिल्ली ने भी बहुत बार प्रयास किया परंतु वह चूहे को बोतल में से नहीं निकाल सकी। क्यों नहीं निकाल सकी, क्योंकि बोतल का मुंह जो होता है वो छोटा होता है, चूहा तो छोटा सा, वो बोतल के अंदर घुस गया, और बिल्ली कैसी बड़ी सारी, अब वो कैसे अपने बोतल के अंदर से चूहे को खींच के निकाले। तो क्या हुआ उसके बाद, बिल्ली अपनी बहन को बुलाने चली गई, वहां पे बिल्ली की एक बहन भी रहती थी, उसने सोचा चलो ठीक है अब मैं से नहीं निकल सकती, मैं अपनी बहन को बुला के लाती हूँ, वो मेरी सहायता कर देगी, ऐसा सोचकर बिल्ली अपनी बहन को बुलाने चली गई। आज हम पाठ का पहला पेज ही पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ा, चार चूहे थे, चारों मित्र थे, एक बिल में रहते थे अपने घर में, चूहे का जो घर होता है उसे बिल कहते हैं, और जो उसमें सबसे छोटा चूहा था वो क्या था, बहुत शैतान था और हर समय इधर उधर मस्ती करता रहता था, घूमता रहता था। एक दिन एक मोटी सी बिल्ली ने उसे देख लिया और चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। आगे आगे चूहा भाग रहा था और पीछे पीछे बिल्ली। चूहा डर गया, घबरा गया, और वो घबरा के मेज के नीचे रखी एक बोतल के अंदर घुस गया। अब वो बिल्ली उसे कैसे पकड़ पाती, क्योंकि बोतल तो बहुत छोटे मुंह वाली थी, और वो चूहे को नहीं निकाल पाई। फिर बिल्ली ने सोचा कि मुझे किसी की सहायता लेनी चाहिए, तो वो कहाँ चली गई, अपनी बहन को बुलाने चली गई। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में हमने क्या क्या शब्द पढ़े वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे कोशिश, कोशिश करने का अर्थ होता है बच्चों प्रयास करना, प्रयत्न करना, बार बार किसी चीज को करने का प्रयास करना, उसे बोलते हैं कोशिश करना। हमारा दूसरा शब्द है शैतान, शैतान का अर्थ होता है शरारती, नॉटी, जो मस्ती करता हो उसे बोलते हैं शरारती, शैतान। हमारा तीसरा शब्द है घबरा, यानी कि डर जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना। चौथा शब्द है बिल, बिल यानी जमीन में बना लंबा सा छेद जिसके अंदर वो अपना घर बनाकर रहते हैं। ये शब्द अर्थ बच्चों आपको समझाने के लिए कराए हैं मैंने, इसे आपको नोटबुक के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर विलोम शब्द लिखे गए हैं। विलोम शब्द आपको पता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट्स बोलते हैं उसे इंग्लिश में, शब्द का उल्टा अर्थ, बिल्कुल उल्टा अर्थ बताने वाले। ये शब्द आपने जो अभी पाठ पढ़ा उसमें से लिए गए हैं, जैसे एक चूहा था, मोटी बिल्ली थी,
बड़ी छोटे चूहे को देख लिया, एक दिन, नीचे, बोतल नीचे, ऐसे ये शब्द जो है आपके पाठ में आए हैं। इन शब्दों के हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसा पहला शब्द हमारा एक, यानी एक नंबर, एक चीज। एक का उल्टा अर्थ होता है अनेक, बहुत सारी चीजें, एक अनेक। हमारा दूसरा शब्द है छोटा, यानी बिल्कुल छोटा, आकार छोटा हो, उसका विपरीत शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा बड़ा। छोटे का उल्टा हो जाएगा बड़ा। हमारा तीसरा शब्द है मोटी, मोटा होना, मोटे का उल्टा क्या होता है पतला, मोटी बिल्ली पतली बिल्ली। हमारा चौथा शब्द है बच्चों दिन, यानी कि डे। डे का अपोजिट होता है नाइट, दिन का उल्टा हो जाता है रात। हमारा पांचवा शब्द है बच्चों नीचे। नीचे जब हमने पढ़ा था टेबल के नीचे रखी बोतल, मतलब नीचे की तरफ, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऊपर, नीचे का उल्टा हो जाएगा ऊपर। बच्चों यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं ये हमारा आज का लेखन कार्य है। ये सभी शब्द हमें हमारी नोटबुक में लिखने हैं। नोटबुक में लिखते समय आप ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ आप आज की डेट डालेंगे, पाठ का नाम आप लाल लाइन के नीचे लिखेंगे, पाठ 3 चूहे की चतुराई। ये 5 शब्द आप अपनी नोटबुक में दो दो बार लिखेंगे और प्रत्येक शब्द के बीच में एक लाइन छोड़ के अगला शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि आप कक्षा 1 में अपने कठिन शब्द को लिखते थे नोटबुक में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कठिन शब्द नोटबुक में लिखेंगे और एक एक लाइन छोड़ के उसके नीचे दूसरा शब्द लिखा जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ये कठिन शब्द पढ़ देती हूँ। हमारा पहला शब्द है कोशिश, कोशिश। हमारा दूसरा शब्द है बोतल, बोतल। तीसरा शब्द है शैतान, शैतान। चौथा शब्द है घूमता, घूमता। हमारा पांचवा शब्द है मेज, मेज यानी टेबल। तो ये सभी शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये 5 शब्द आपका आज का लेखन कार्य है, होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय।